मेरी इस बात पे नई वीडियो आ गई जिसमें मैं हिंदी में सब कुछ बताऊंगा। बेसिकली आज मैं बना रहा हूँ सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर की सर्किट बनाऊंगा और उसके लाइन रेगुलेशन और लोड रेगुलेशन की बारे में बताऊंगा, कैसे उसकी सिमुलेशन की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे पी स्पाइस, ओपन हो गया, गो टू फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर, एनालॉग और मिक्स जो सेलेक्ट है वही सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं करना है। ओके, सेम नाम का मेरे पास पड़ा हुआ है फाइल, इसलिए मैं यहाँ पे रेगुलेटर के नाम पे कुछ और डाल देता हूँ। क्रिएट अ ब्लैंक प्रोजेक्ट। सो नाउ हमारे विंडो ओपन होगी जहां हमें सर्किट अपनी बनानी है। तो गो टू प्लेस पार्ट और सिर्फ प्लस पी यू कैन ऑल्सो यूज और पी, सो पार्ट आई एम गोइंग फॉर ट्रांजिस्टर क्यू एन क्यू टू एन टू 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 टू, सो टाइप क्यू दिस रजिस्टर वी वॉन्ट, सो रोटेट दिस बाय टाइपिंग आर, वी वॉन्ट वन मोर टाइम दिस वन, नाउ प्रेस एस्केप बटन, ई एस सी बटन, नाउ गो फॉर प्लेस पी, रेजिस्टेंस वी वॉन्ट, ओके, रोटेट, एक्चुअली वी वॉन्ट टोटल फाइव रेजिस्टेंस ये। अब हमें डायोड चाहिए जेनरेटर, सो गो गो टू ऐड पार्ट, टाइप डी, वी वॉन्ट डी वन एंड 750 दिस वन, ये ओके, सो रोटेट दिस, नाउ वी वॉन्ट सोर्स VDC, ओके, सो बेसिकली दीज आर द कंपोनेंट्स वी वॉन्ट। आई फॉरगॉट ग्राउंड, वेट, टोटली वी वॉन्ट थ्री ग्राउंड, पुट इट हियर, 0, वन इज देयर, अनदर वन इज हियर एंड नेक्स्ट वन इज हियर, प्रेस एस्केप बटन, नाउ वी हैव टू कनेक्ट ओनली वायर्स, देन आवर सर्किट इज रेडी, सो गो टू वायर दिस वन और यू कैन टाइप डब्ल्यू बटन फॉर वायर, सॉरी, नाउ वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ वी वन
जीरो टू 10 वी, दैट इज 10 वोल्ट. नाउ वी हैव टू चेंज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. दिस इज फर्स्ट वन 1K, सेकेंड इज 2.48K, R3 is 2.2K, and R4 is 2.4K, and this is a 50. This is load resistance R5 50. सो सर्किट डायग्राम तो रेडी हो चुका है, अब हमें सिमुलेशन करना है. तो सिमुलेशन के लिए जाएंगे यहाँ पे पी स्पाइस न्यू सिमुलेशन प्रोफाइल, नाम दे देते हैं हम इसे सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर. ये हमारा नाम हो गया उसका, क्रिएट कर देते हैं. अब हमें ये विंडो अपीयर हो गया, एक विंडो को चेंज टाइम डोमेन ट्रांजिशन टू डीसी स्वीप. यहाँ जो वोल्टेज का नाम होगा यहाँ पे हम वही लिखेंगे V1, ये स्टार्ट होगा 0 to 30 वोल्ट, और इंक्रीमेंट कितने का होगा 1 अप्लाई. ओके सो अब यहाँ पे रन बटन है, यहाँ पे टैप करेंगे. यदि सही होगा तो आपका ये विंडो खुल जाएगा, जैसे कि मेरा सही है, मेरा विंडो खुल गया. सो ट्रेस ऐड ट्रेस, यहाँ से हम लेंगे V Q2 is to E, ये वाला V Q2 is to E. ओके ये हमारा वोल्टेज रेगुलेशन का आ गया, क्या सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर का लाइन रेगुलेशन है, ये लाइन रेगुलेशन है. तो यहाँ तक तो हो गया हमारा, ये लाइन रेगुलेशन कंप्लीट हो गया. अब रोड रेगुलेशन के लिए थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि हमें सिर्फ चेंजेस करने हैं सर्किट में. सर्किट में चेंजेस क्या करने हैं वो देखो, ये जो R5 है ये सिंपल रेजिस्टेंस है, हम इसको चेंज करेंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस में. सो डिलीट दिस, गो टू प्लेस एट पार्ट रेजिस्टेंस, दिस इज अवर वेरिएबल रेजिस्टेंस, ओके दिस वन. सो ओके रोटेट दिस, कीप इट देयर. दिस इज डन. सो नाउ गो टू पार्ट, हियर टाइप पैराम, दैट इज पैरामीटर, दिस वन पैराम. ओके टैप हियर, नाउ टैप ऑन दिस डबल टैप, एड न्यू कॉलम, नेम इट RL, वैल्यू गिव इट वैल्यू 10K. ओके एंड सेलेक्ट दिस कॉलम, ओके गो टू डिस्प्ले नेम एंड वैल्यू. Here all is done. So now we have to map this RL to here 1K. Okay. So what we have to do? Go to 1K, double click. Here change this one as a curly bracket, the name of the parameter, that is RL. Close this. This circuit is ready. Now go to edit simulation setting, remove this one V1, go to global parameter, our global parameter is RL here, so type here RL, change this one 0K to 50K.
ये वो नीड 5 के एज इंक्रीमेंट अप्लाई. ओके सो आवर सर्किट इज रेडी, रन दिस. गो टू ट्रेस, एड ट्रेस वी क्यू टू टू ई. पुराने वाले की तरह सेम रहेगा. सो हमारा रोड रेगुलेशन का बन गया. अब अगली वीडियो में हम लोग शंट वोल्टेज रेगुलेटर के बारे में देखेंगे. सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर बस यही तक है. हमारा मेन नेम क्या था, पैरामीटर चेंज करने वाला. यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना.